बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े ने कहा कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वे एक्शन बेस्ड फिल्मों में काम करने से परहेज करेंगे। उन्हें पिछले साल दिल का दौरा पड़ा था, इसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई थी। फिल्म इकबाल में बेहतरीन किरदार निभाने वाले एक्टर तलपड़े 14 दिसंबर 2023 को दिल का दौरा पड़ने के बाद अपने घर पर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रेयस तलपड़े ने कहा कि वे फिलहाल चीजों को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं और अपनी लेटेस्ट फिल्म करतम भुगतम की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। There are certain limitations right now because my recovery is still in process. So my doctors have said another 6 months and you should be, you know, as good as new. So I'll just wait till that time. But till that time, there are some other films that I'm working on, which are which probably do not have those kind of action sequences or high intensity drama sequences, which I might not be able to do immediately. सोहम पी शाह के डायरेक्शन वाली करतम भुक्तम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ये 27 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।